हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल जीएस एकेडमी टुडे वी विल डिस्कस टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द 51 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जनरली इन एग्जाम्स टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आज बेस्ड ऑन द टाइगर रिजर्व पहला होता है कि टाइगर रिजर्व आपको दिया जाता है और उसे कंसर्न स्टेट पूछा जाता है किस स्टेट में ये है सिचुएटेड और दूसरा है कि कोई स्पेसिफिक फैक्ट अगर किसी टाइगर रिजर्व से इंपॉर्टेंट है किसी टाइगर रिजर्व का तो वो पूछ लिया जाता है तो हम इस वीडियो में टाइगर रिजर्व्स को मैप में भी देखेंगे तथा तो उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझते चलेंगे ओके okay? टाइगर रिजर्व इन इंडिया फर्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टिंग इन इंडिया इन नाइनटीन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये टाइगर मीन्स पेंथरा टाइग्रिस विच इज साइंटिफिक नेम बिकेम नेशनल एनिमल इन 1972. बिफोर दिस एशियाटिक लाइन वॉज नेशनल एनिमल ये जो आपका टाइगर है मीन्स पैंथरा टाइगरिस दिस वॉज डिक्लेयर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सेवनटी टू एंड बिफोर दिस एशियाटिक लैंड विच इज फाउंड इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामेशन पॉइंट ऑफ यू है इसको ध्यान रखिएगा प्रेजेंटली देर आर फिफ्टी वन टाइगर रिजर्व इन एटीन स्टेट्स लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इट इज नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है बोर्ड टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र लार्जेस्ट कोर अब्ली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किस टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है बेसिकली टाइगर रिजर्व में दो एरियाज होते हैं फर्स्ट इज कोर एरिया एंड सेकेंड इज बफर एरिया बफर एरिया इज सराउंडिंग द कोर एरिया इन कोर एरिया इट इज फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है एंड इन बफर जोन टेड लैंग्विस्टिक स्पेस तो कौन सा टाइगर रिजर्व जिसका क्रिटलट टाइगर है वह है आपका नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व ठीक है नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व यह वैसे भी सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है और इसका critical tiger habitat भी सबसे बड़ा है नाउ स्मॉलेस्ट कोरबली क्रिकट टाइगर हेविटाट इट इज ऑफ ओरंग टाइगर रिजर्व इन आसाम इसका सबसे स्मॉलेस्ट क्रिकेट टाइगर हेबीटाट है फिफ्टी फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है जो 2021 में जोड़ा गया है वो है पत्थुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु श्री विल्लू पुथुर टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु नाउ ग्लोबल टाइगर डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई सिंस टू थाउजेंड से ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन ट्वेंटी जुलाई को ठीक है नाउ हम टाइगर स्टेट को टाइगर रिजर्व को डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज ठीक है हम बिल्कुल यहाँ से जो है आपका उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे यूपी बिहार देन आसाम अरुणाचल मिजोरम देन उसके बाद हम यहाँ आएंगे उड़ीसा में देन ये आपका आंध्र तेलंगाना तमिलनाडु केरला कर्नाटक होते हुए एम तक फिनिश करेंगे और लास्ट में हम राजस्थान पहुँचेंगे ओके सबसे पहले उत्तराखंड उत्तराखंड में पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इस्टेबलिशिंग इन 1973 इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था 1973 में तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व इसी को घोषित किया गया था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ऑल्सो द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन नाइनटीन एज हेले नेशनल पार्क इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया वहीं पर स्थित है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड इन टू थाउजेंड सेंसस टाइगर सेंसस मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व एंड इट इज टू रामगंगा रिवर फ्लोस थ्री दिस टाइगर रिजर्व ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से राम गंगा रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है सेकेंड इज राजा जी नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क ये आपका सी राजगोपालाचार्य के नाम पे बना है सी राजगोपालाचार्य जो कि इंडिया के लास्ट गवर्नर गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य का एक और फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि जो सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था इन्हीं को दिया गया था उस टाइम तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था पहले थे सी रमन देन सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड थर्ड इज सी राजगोपालाचार्य इन तीनों लोगों को साथ में भारत रत्न दिया गया था 1954 में तो उन्हीं के नाम पर है ये राजा जी नेशनल पार्क एंड गंगा रिवर पासिस थ्रू दिस ओके ना उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में तो उसी से याद रखिएगा दुधवा टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश और दुधवा टाइगर रिजर्व से एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड थे वो थे बिली अर्जन सिंह ये बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन से काफ़ी रिलेटेड थे और इन्होंने दुधवा टाइगर रिजर्व को स्थापित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी बिली अर्जन सिंह तो इनका नाम भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये किससे रिलेटेड रहे हैं तो वो दुधवा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड थे सेकंड इज़ पीलीभीत टाइगर रिज़र्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व गोमती रिवर ऑरिजिनेट्स गोमती रिवर यहीं से ऑरिजिनेट होती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ठीक है वहीं से थर्ड इज अमनगढ़ बेसिकली अमनगढ़ इज़ नॉट अ सेपरेट टाइगर रिजर्व इट इज़ बफर ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ठीक है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बफर एरिया है अमनगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में आता है हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं इनको दिस इज द मैप हेयर इज राजा जी टाइगर रिजर्व सेकेंड इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व थर्ड इज इज पीलीभी एंड दिस फोर्थ वन इज दुदवा टाइगर रिजर्व ओके उत्तर प्रदेश के बाद बिहार बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है और एक ही नेशनल पार्क भी बिहार में वो है बाल्मीकि टाइगर रिजर्व या बाल्मीकि नेशनल पार्क ओके okay? बाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका गंडक रिवर पासिस थ्रू इट Which रिवर गंडक रिवर पासिस थ्रू इट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इट इज कंटिन्यूअस टू रॉयल चितवन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल ये रॉयल चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल में है उसके बिल्कुल कंटिन्यूस है कंटिगूअस मीन जस्ट उसके बगल में ही है मतलब खाली बॉर्डर का फर्क है बॉर्डर इस पार्क आपका बाल्मीकि रिजर्व है बॉर्डर के उस पार, नेशनल पार्क रॉयल चित्क ऑलमोस्ट कनेक्टेड ओके सो आफ्टर बिहार वी मूव टू झारखंड झारखंड में आपका है पलामू टाइगर रिजर्व विच इज पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉर्थ कोयल रिवर पासिस थ्रू इट नॉर्थ कोयल रिवर इसके थ्रू पास करती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है टू थाउजेंड एटीन सेंसस नो टाइगर इज फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व इस टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं पाया गया टू थाउजेंड एटीन सेंसस मेंस्ट बेंगाल वेस्ट बंगाल मूव करते हैं वेस्ट बंगाल में आपका पहला टाइगर रिजर्व हो गया बुक्सा टाइगर रिजर्व एंड इन टू थाउजेंड एटीन सेंस नो टाइगर इज फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व बुक्सा टाइगर रिजर्व में भी कोई टाइगर नहीं पाया गया तो ये दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया पलामू के बाद जहां कोई टाइगर नहीं मिला टू थाउजेंड एटीन सेंस में एंड सेकेंड नेशनल टाइगर रिजर्व इज सुंदरबन टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, तो अब याद रखने की ट्रिक क्या है इसको कि वेस्ट बंगाल के सुंदर बक्से में कोई टाइगर नहीं मिला वेस्ट बंगाल के सुंदर बक्से में बक्सा मीन बक्सा मीन्स बक्सा वेस्ट बंगाल के सुंदर बक्से में कोई टाइगर नहीं मिला अब देखते हैं इसको मैप में देख लेते हैं एक बार ये हमारा मैप और ये है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार कंटीगुअस टू रॉयल चितवन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल दिस इज पलामू टाइगर रिजर्व विच इज़ पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क दिस इज़ बुक्सा टाइगर रिजर्व जहाँ पर कोई टाइगर नहीं पाया गया टू थाउजेंड में दिस इज़ सुंदरबन टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये तो बहुत फेमस है आपको सबको पता सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा फॉर्म होता है ये रामसर वेटलैंड साइट भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कई सारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ओके okay. बंगाल के बाद अब हम पहुंचते हैं आसाम आसाम में चार टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व काजीरंगा टाइगर रिजर्व ओके okay. एंड काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न डायनासोरस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पासिस थ्रू दिस टाइगर रिजर्व ये आपका टाइगर रिजर्व हर साल न्यूज़ में रहता है बेसिकली क्योंकि जबकि बाढ़ आती है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर में तो यहाँ पर जो वन हॉर् डायनासोरस पाए जाते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं उस बाढ़ से ठीक है काफ़ी सारे वहाँ रॉयनाश्व भी जाते हैं तो इसलिए आपका हर साल हाईलाइटर रहता है काजीरंगा टाइगर रिजर्व तो ये वेल नोन है आपको याद रहेगा ये सेकंड ये द मानस टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट फर्ट क्या है इसका इट इज़ कंटिग्यूस टू द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान में है नॉट इन इंडिया मानस टाइगर रिजर्व तो इंडिया में है लेकिन रॉयल मानस जब आता है तो ये भूटान में है और ये दोनों कंटिग्यूअस हैं कंटिगुअस मीन्स जस्ट टचिंग है बिल्कुल एंड मानस रिवर फ्लो थ्रू दिस okay? टाइगर रिजर्व थर्ड इज नामेरी टाइगर रिजर्व नामेरी टाइगर रिजर्व दिस इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय ओके एंड इट इज जस्ट साउथ ऑफ़ द पाकिट टाइगर रिजर्व ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश पाकिट टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल में उसके जस्ट साउथ में ये नामेरी टाइगर रिजर्व फोर्थ वन इज औरंग टाइगर रिजर्व औरंग टाइगर रिजर्व यह भी आपका आसाम में है याद रखना सिंपल है आसाम का नाम आता ही आपको चाय ध्यान आती होगी चाय का रंग कैसा दिखता है ठीक है रंग से हो गया ओरंग ठीक एंड उसके बाद आपका है आसाम का नाम तो नाम से हो गया नामेरी और मन अच्छा हो जाता है चाय पीने से तो मन से हो गया मानस टाइगर रिजर्व सिंपल है इसके बाद हम देख लेते हैं इनको मैप में कहाँ पे है मैप में देखने से हमें याद रहते हैं काफ़ी दिन तक ये है हमारा मानस टाइगर रिज़र्व भूटान में जस्ट ये कंटिन्यूस रॉयल मानस नेशनल पार्क के कंटिन्यूस है हियर इट इज़ ओरांग उसके बाद आपका ऊपर नामेरी हो गया की जगह साउथ में और ये नीचे हो गया काजीरंगा आसाम के बाद हम चलते हैं कहा अरुणाचल अरुणाचल में टोटल तीन टाइगर रिजर्व हैं सबसे पहला आपका नाम डाफा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वाले वीडियो में इसको देख चुके नाम डाफा नेशनल पार्क वहीं पे आपका नाम डाफा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व इज इट हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ट्रॉपिकल टेम्परेट आर्टिक यहां हर तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं ये फैक्ट यू यूपीएससी में पूछा जा, जा चुका है इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इन दिस टाइगर रिजर्व ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर फाउंड ट्रॉपिकल टेम्परेट आर्टिक ओके एंड सेकेंड इज द पाके और पाखुई टाइगर रिजर्व पाकी और पाखुई टाइगर रिजर्व यह आपका अरुणाचल में है ठीक है थर्ड इज कामलांग टाइगर रिजर्व कामलांग टाइगर रिजर्व कामलांग रिवर फ्लो थ्रू इट इस टाइगर रिजर्व के थ्रू कामलांग रिवर फ्लो करती है और यहां दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं फर्स्ट इज ग्लो लेक एंड सेकेंड इज परशुराम कुंड परशुराम कुंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पिलग्रेज पॉइंट ऑफ व्यू ये यात्रा के उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके एंड ग्लो लेक वो इसी टाइगर रिजर्व में है कमलांग टाइगर रिजर्व में तो ये तीन टाइगर रिजर्व हो गए अरुणाचल प्रदेश के नामडाफा टाइगर रिजर्व पाके और कामलांग याद कैसे रखेंगे याद रखना बिल्कुल सिंपल है अरुणाचल कैसे बना है अरुण अरुणाचल अरुण का मतलब होता है सूर्य सूर्य नाम और काम के पक्के हैं सूर्य जो है नाम और काम के पक्के हैं तो नाम से हो गया नाम डाफा काम से हो गया कामलांग और पक्के हैं तो पक्के टाइगर रिजर्व आपका है ही सूर्य नाम और काम के पक्के हैं क्योंकि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल में ही उदय होता है और वह नाम और काम के पक्के हैं ओके okay? अरुणाचल के बाद हम चलते हैं मिजोरम मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है वो है आपका डंपा टाइगर रिजर्व एन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ नो टाइगर इन टू सेंसस इज फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व इस टाइगर रिजर्व में दो के टाइगर सेंसस कोई भी टाइगर नहीं पाया गया तो ये तीसरा टाइगर रिजर्व हो गया जहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं मिला पहला आपका हो गया था पलामू टाइगर रिजर्व इन झारखंड सेकेंड आपका था बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज डंपा टाइगर रिजर्व इन मिजोरम जहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं पाया गया दो के सेंसस में वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है तो तीन ही टाइगर रिजर्व जहाँ पर कोई टाइगर नहीं पाया गया 2018 के सेंसस में चलिए इनको हम एक बार मैप में दी लोकेट कर लेते हैं ये हमारा पाके जो कि आपका नामेरी के जस्ट नॉर्थ में है हेयर इज़ कामलांग, एंड कामलांग के साउथ में है नामडाफा और ये कामलांग और नामडाफा को सेपरेट जो करती है वो यह है आपकी एक रिवर और रिवर का नाम है लॉन्ग रिवर लॉन्ग रिवर सेपरेट नामडाफा फ्रॉम कामलांग ओके नीचे आपका यहाँ पर डम्पा इन मिजोरम जहाँ पर कोई टाइगर नहीं पाया गया मिजोरम का चलते हैं हम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में तीन टाइगर रिजर्व में पहला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये इंद्रावती रिवर के नाम पे बना है जो कि इसी टाइगर रिजर्व के थ्रू फ्लो करती है और इंद्रावती रिवर पर एक सुंदर फॉल है उसको कहते हैं चित्रकूट वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल देख लेते हैं मैप में ये देखिए ये आपका चित्रकूट वाटरफॉल बहुत सुंदर वाटरफॉल है ये ये देखिए चित्रकूट वाटरफॉल ऑन इंद्रावती रिवर दिस इज़ इन इंद्रावती टाइगर रिज़र्व और आपका सेकंड जो है वो है उदंती सितान्धी टाइगर रिजर्व उद्धंती सितान्दी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उन्हीं दोनों को मिलाकर इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है तो इसी का नाम पड़ गया है उद्दंती एंड सितान्दी टाइगर रिजर्व सितान्दी रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है टाइगर रिजर्व के थ्रू थर्ड वन इज़ अचनाकमार टाइगर रिजर्व अचना कमार टाइगर रिजर्व इट इज़ पार्ट ऑफ अमरकंटक बायस्कर रिजर्व अमरकंटक बायस्कर रिजर्व है उसी का हिस्सा है आपका अचनाकमार टाइगर रिजर्व ठीक है और उसके बाद आपका आता है अच्छा अशना कंवर से एक फैक्ट याद आया यहाँ ये जो अमरकंटक बायरसर रिजर्व है तो अमरकंटक का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं ठीक है ठीके? एक नदी तो आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल में और दूसरी जाती है अरेबियन सी में अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों नदियों का नाम है सोन एंड नर्मदा ओके सोन आपकी वेस्ट बंगाल में पहुँचती है और नर्मदा आपकी अरेबियन सी में ओके इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा का टाइगर रिजर्व उड़ीसा में दो टाइगर रिजर्व हैं पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दिस टाइगर रिजर्व ऑल्सो एन एलिफेंट रिजर्व एंड दिस इज इंक्लूडेड इन मैन एंड बायोस्टर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ठीक है ये एलिफेंट रिजर्व भी है और मैन एंड बायोस्फेर प्रोग्राम में इंक्लूडेड भी है सेकेंड है आपका सत टाइगर रिजर्व एंड महानदी रिवर पासेज थ्रू दिस टाइगर रिजर्व सत टाइगर रिजर्व के थ्रू महानदी पास करती है इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ठीक है इनको एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं ये देखिए ये है आपका सिमलीपाट टाइगर रिज़र्व इन उड़ीसा उसके नीचे यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिज़र्व ये भी उड़ीसा में ही है अब हम यहाँ पर आते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में आपका हो गया अचना बिल्कुल एम पी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सेकेंड आपका हो गया यहाँ पे उदंती सितान्धी एंड थर्ड इज़ इंद्रावती टाइगर रिज़र्व ओके उड़ीसा के बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एंड इसका जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट एरिया है वो भी सबसे बड़ा है ठीक है एंड कृष्णा रिवर पासज थ्रू दिस टाइगर रिजर्व इट इज इट हैज लार्जेस्ट इट इज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड हैज लार्जेस्ट कोर पब्लिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ओके नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना तेलंगाना में दो टाइगर रिजर्व हैं कवाल टाइगर रिजर्व एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व कवाल टाइगर रिजर्व का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है गोदावरी एंड कदम रिवर फ्लो टूअर्ड द साउथ ऑफ़ द सेंचुरी इसके साउथ में गोदावरी और कदम रिवर फ्लो करती हैं कवाल टाइगर रिजर्व के साउथ में ठीक है सेकेंड इज़ अमराबाद टाइगर रिजर्व तो इनको याद रखने का सिंपल सी टेक्निक है तेलंगाना की कैपिटल क्या है हैदराबाद हैदराबाद नवाबों के लिए फेमस ठीक तो नवाब करते क्या थे नवाब आप तेल लगाते थे, थे और आराम करते थे तेल लगा के आराम करते थे और कवाली सुनते थे तो तेल से हो गया तेलंगाना आराम से हो गया अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवाली सुनते थे कवाल टाइगर रिजर्व मैप में देख लेते हैं ये देखिए मैप में ये है यहाँ पे आपका कवाल टाइगर रिजर्व इसके नीचे हो गया आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व और ये हो गया एन नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व ओके तेलंगाना के बाद तमिलनाडु तमिलनाडु में टोटल पाँच टाइगर रिजर्व हैं लेकिन पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा बस पहला आपका अनामालाई टाइगर रिजर्व इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉप स्लिप ठीक है और इसका जो नया नाम है वह इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क उसको अनामालाई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है टॉप स्लिप क्यों कहा जाता है हमने नेशनल पार्क वाले वीडियो में कहा देखा लिया था इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि पहले जो लकड़ियाँ काटी जाती थी इसके जंगल से उन लकड़ियों को पहाड़ी के ऊपर से नीचे सरका दिया जाता था या स्लिप करा दिया जाता था तो उसी एरिया को हम टॉस्लिप कहते थे ठीक है तो आनामलाई टाइगर रिजर्व को ही टॉसिप टॉस्लिप कहा जाता है एंड उसके बाद आपका है कलक्कड़ मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व कलक्कड़ मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व ठीक है इट इज पार्ट ऑफ अगस्त मलाई बाइस्फेयर रिजर्व दिस फैक्ट हैज ऑलरेडी बीन आस्ट इन बेन एग्जाम्स कलक्कड़ मंदन थुरई टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ विच बाइस्फेयर रिजर्व इट इज पार्ट ऑफ अगस्त मलाई बाइस्फेयर रिजर्व ठीक है थर्ड इज मलाई टाइगर रिजर्व मलाई बहुत है तमिलनाडु में मलाई और मिठाई तो मलाई टाइगर रिजर्व ये भी आपका तमिलनाडु में इट इज़ सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु ये तीनों स्टेट के ट्राई जंक्शन पे स्थित है मलाई टाइगर रिजर्व एंड इट इज़ बेसिकली एट द स्लोप ऑफ द नीलगिरी माउंटेन्स एंड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु फोर्थ वन इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम नाम आपको ध्यान होगा वीरप्पन बीरपन का नाम तो आपको याद ही होगा बड़ी बड़ी मूछें जिसकी हुआ करती थी जो मशहूर यहाँ का चंदन तस्कर था ठीक है तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन द नीलगिरी बायोस्कर रिजर्व बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो बेसिकली है क्या ये कॉरिडोर का काम करता है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है कहाँ पे नीलगिरी नीलगिरी बायोस्कर रिजर्व में बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करने के लिए एक तरह से ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पांचवा टाइगर रिजर्व आपका श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व ये सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है फिफ्टी फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एडेड इन फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व तो याद रखें कि टेक्निक सिंपल है तमिलनाडु की ठीक है क्या जितने भी मलाई और कलाकंद कलाकंद से हो गया कलक्कड़ मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व और मलाई से हो गया आपका अनामलाई मुदुमलाई, ठीक है और सत्यमंगलम तो आपको पता ही है वीरप्पन जो कि फेमस था एंड श्रीवल्लू पुथुर मेगा मलाई यहाँ भी मलाई ठीक है तो मलाई सब तमिलनाडु में ओके इसको हम एक और मैप में देख लेते हैं ये देखिए ये है मैप में कि लोकेशन सबसे नीचे यहाँ पर कलक्कड़ मुद्दन ठीक है देन हियर इट इज़ अनामलाई ये आपका सत्यमंगलम हो गया यहाँ पे ठीक है यहीं पे एक विजय मधुमलाई और यहीं बीच में हाँ आपका लेटेस्ट टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विच इस श्री बुल्लू पुत्थुर मेघालय टाइगर रिजर्व आफ्टर तमिलनाडु वी मूव टू केरला केरला में सिर्फ दो ही टाइगर रिजर्व हैं पेरियर टाइगर रिजर्व फेमस है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पर बेसिकली ये एलिफेंट रिजर्व के रूप में ज़्यादा फेमस है ठीक है पेरियार टाइगर रिजर्व इट इज़ ऑल्सो एन एलिफेंट रिज़र्व पेरियार एंड पंबा रिवर ऑरिजिनेट्स इन दिस टाइगर रिजर्व पेरियार और पंबा दो नदियां हैं जो इसी टाइगर रिजर्व में ऑरिजिनेट करती हैं पास होती है इसके थ्रू लाइज इन द कार्डमम एंड पंडलम हिल्स ये कार्डमम और पंडलम हिल्स में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व आपका ओके एंड मल्लापरियार डैम ये कई बार न्यूज में रहा है मलापरियर डैम वह आपका पेरियार टाइगर रिजर्व में ही स्थित है सेकेंड इज पैराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पैरामबीकुलम टाइगर रिजर्व इट इज ऑन अनामलाई हिल्स अनामलाई हिल्स पे है ये और केरला में सिचुएटेड है अब इसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैप की चीज़ें हमसे भूलती नहीं है ये देखिए मैप में यहाँ पे ये है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे बिल्कुल तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे है ओके और दूसरा मैं कौन सा था पैराम्बिकलम ये देखिए पैराम्बिकलम यहाँ पे ठीक तो ये दो टाइगर रिजर्व हुआ केरला के केरला के बाद हम पहुंचते हैं कहाँ कर्नाटक कर्नाटक में टोटल पांच टाइगर रिजर्व ठीक है पांच टाइगर रिजर्व पहला कौन सा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व बांदीपुर आपको याद ही होगा बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम एग्जाम्पल जिसमें न पूछा गया होगी तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका बट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका बिटवीन कबनी एंड मोयार रिवर ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ये कबनी और मोयार रिवर के बीच में स्थित है ठीक है कबनी रिवर जो इसके नॉर्थ में बहती है और मोयार रिवर इसके साउथ में बहती है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साउथ में मोयार रिवर एंड इट इज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ये जो है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस है किसका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मतलब यहाँ दोनों तरह की इकोलॉजी पाई जाती है ईस्टर्न घाट वाली इकोलॉजी पाई जाती है वेस्टर्न घाट वाली इकोलॉजी पाई जाती है एंड उसके बाद हम अच्छा एक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व का इसके थ्रू एक नेशनल पार्क पास होता है एन एच सेवन सिक्सटी सिक्स एन एच सात ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने इसमें रात में ट्रैवलिंग रो, रोक लगा दी इसमें कि नौ बजे नौ बजे रात से सुबह छः बजे तक इसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा इस नेशनल पार्क पे क्यों टू अवॉइड द डेथ ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्योंकि वाइल्ड लाइफ काफ़ी सारे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे इसमें रात के समय ठीक है तो रात के नौ बजे से छः बजे तक इस पर रोक लगा दी गई थी इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व सेकेंड आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व नागरहोल टाइगर रिजर्व इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बांसपे रिजर्व नीलगिरी बांसपे का हिस्सा है नागरहोल टाइगर रिजर्व ओके थर्ड इज भद्रा टाइगर रिजर्व भद्रा रिवर पास थ्रू इट फोर्थ वन इज आंसी दांदेली और काली टाइगर रिजर्व इसको काली टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है ज्यादा जाना जाता है क्योंकि काली रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है इसलिए इसको काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है तो आंसी आंसी दांदेली टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व दोनों सेम ही हैं ठीक है इसके बाद हमारा बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रंगा रंगास्वामी टाइगर रिजर्व इट कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करती है बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व ओके इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं ये देखिए ये है आपका कर्नाटक के टाइगर रिजर्व यहां का आप यहां पे आपका हो गया नागरहोल दिस इज भद्रा दिस इज दांदेली आंसी टाइगर रिजर्व हेयर इट इज बी आर टी एंड दिस इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि आपका इकोलॉजिकल कॉन्फ्लूस है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का ठीक है ना बी आर टी मीन बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व अब हम कर्नाटका में चलते हैं कहा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में टोटल छह टाइगर रिजर्व मेल घाट टाइगर रिजर्व सबसे पहला टाइगर रिजर्व ताप्ती रिवर फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न एंड ऑफ दिस टाइगर रिजर्व ताप्ती रिवर इसके नॉर्थ में फ्लो करती है मेलघाट टाइगर रिजर्व के मेल घाट का मतलब होता है जहां पर किसी चीज का मेल हो रहा हो मतलब तीन घाटों का यहां पर मेल है तीन छोटी छोटी पहाड़ियां उनका मेल है वहीं पर यह मेलघाट टाइगर रिजर्व मेल मतलब मिलना ओके तो मे, मिलने से हो गया आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व ताप्ती रिवर इसके नॉर्थ में फ्लो करती है सेकंड इज द पेंच टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व ये आपका दो स्टेट में आता है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में एंड पेंच रिवर पासिस थ्रू दिस टाइगर रिजर्व थर्ड इज तदोबा अंधेरी टाइगर प्रोजेक्ट तदोबा अंधेरी टाइगर प्रोजेक्ट तो उसके बाद आपका चौथा है सहयाद्री टाइगर रिजर्व सहयाद्री टाइगर, टाइगर रिजर्व का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इट इज़ वेस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया सबसे पश्चिम टाइगर रिजर्व है ये आपका सहयाद्री टाइगर रिज़र्व याद रहेगा क्योंकि सह्याद्री माउंटेंस यहीं से पास होती हैं सयाद्री माउंटेंस मीन्स वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में सयादरी माउंटेन माउंटेन्स भी कहते हैं ओके देन फिफ्थ वन इज नगजीरा नवे गाँव टाइगर रिजर्व नवे गाँव का मतलब होता है नया गाँव तो नगजीरा नवेगाँव टाइगर रिजर्व ये भी आपका महाराष्ट्र में एंड सिक्स इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विच इज़ बो टाइगर रिजर्व ओके इट इज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इनको एक बार मैप में देख लेंगे तो हमें पूरे के पूरे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये देखिए मैप में यहाँ पे आप ये है आपका सयादी टाइगर रिजर्व सबसे वेस्ट में स्थित है ये हो गया आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व इट इज और यहां पे हो गया आपका बो टाइगर रिजर्व ऊपर यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व नवेगांव नगजीरा एंड तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ओके मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व है पहला है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दूसरा आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व थर्ड इज कान्हा टाइगर रिजर्व फोर्थ इज पन्ना टाइगर रिजर्व फिफ्थ इज पिंस टाइगर रिजर्व एंड सिक्स इज संजय दुबरी टाइगर रिजर्व तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फेमस है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व ये आपका सतपुरा पहाड़ियों पर स्थित है जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में हैं ईस्ट टू वेस्ट उसी पर है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तो ये आपको ध्यान रहेगा सतपुरा पहाड़ियों से कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में कान्हा कहाँ रहते हैं दिल में रहते हैं और दिल कहाँ है शरीर के बीच में मतलब मध्य में तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व देन पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना फेमस डायमंड माइंस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है पन्ना टाइगर रिजर्व केन रिवर पासिस थ्रू इट ओके एंड सेकेंड इज केन बेतवा इंटरलिंकिंग विल सबमर्ज पार्ट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है रिवर्स का अगर वो जब पूरा होगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी हिस्सा इसमें सबमर्ज हो जाएगा ठीक है ना पेंच टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है और पेंच रिवर इसके थ्रू पास करती है छठवा है आपका संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में इसके इंपॉर्टेंट इसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं तो हमें ध्यान रहेगा क्योंकि मैप में देखी हुई चीज़ें भूलती नहीं हैं ये है हाँ आपका पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ ऊपर की तरफ ओके देन संजय दुबरी टाइगर रिजर्व यह हाँ आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ पर बांधव टाइगर रिजर्व यह हाँ आपका कान्हा टाइगर रिजर्व यहाँ पे देन सतपुरा टाइगर रिजर्व सतपुड़ा की पहाड़ियों पे और पेंच टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है सॉरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ठीक है मध्य प्रदेश के बाद हम पहुंचते हैं अब राजस्थान राजस्थान में टोटल तीन टाइगर रिजर्व हैं पहला है आपका मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड है इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जा सक पूछा जा सकता है कि मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व के लिए वाटर सोर्स कहाँ से आता है या वाटर बॉडी कौन सी उसके आसपास तो वो है आपका चंबल रिवर देन सेकंड इज रणथम्बो टाइगर रिजर्व रणथम्बो टाइगर रिजर्व इट इज़ बाउंडेड बाय बनास इन नॉर्थ एंड चंबल रिवर इन साउथ तो रणथम्बो टाइगर रिजर्व के आसपास दो वाटर बॉडीज़ हो गई पहली होगी बनास नदी जो कि इसके नॉर्थ में बहती है और दूसरी होगी चंबल जो इसके साउथ में बहती है तीसरा टाइगर रिजर्व है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व इट इज़ स्प्रेड ओवर द अरावली हिल्स अरावली हिल्स के ऊपर पूरा फैला हुआ है सर इसका टाइगर रिजर्व इट इज़ फर्स्ट रिजर्व इन वर्ल्ड विथ सक्सेसफुल रीलोकेटेड टाइगर्स यह आपका वर्ल्ड का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सक्सेसफुली टाइगर्स को रीलोकेट किया गया ठीक है एंड इन कॉपर एंड मार्बल माइंस आर फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व तो ये कॉपर और मार्बल माइनिंग की वजह से भी काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहा है सर इसका टाइगर रिजर्व ठीक है तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व आप कैसे याद रखेंगे राजस्थान रण का एरिया ठीक है रण से हो गया रण थंबो टाइगर रिजर्व और रण में होता क्या है सर कटता है किसी का तो सर कटेगा किसी का तो क्या हो गया सर इसका टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल तो फेमस है आपके राजस्थान में है इसको अगर मैप में देख लेते हैं ये है हमारे मैप में देखिए ये हो गया आपका सर, इसका टाइगर रिजर्व सबसे की तरफ यहाँ रणथम्बो टाइगर रिजर्व बीच में और सबसे नीचे यहाँ पर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ओके सो दिस कंप्लीट योर वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थैंक यू जय हिंद